बदलने के लिए इतने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया आपने, किसके जर्नल फॉर्म क्यू वाली को कहते हैं, ये जो लिखी है ये फॉर्म, ये आपकी जर्नल फॉर्म, ये आपकी जर्नल फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है। हाँ वही तो है, ये आर डॉट एन ही था, ये रहा आर डॉट एन इक्वल टू क्यू, ये क्यू, क्यू का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये पी कब होगा जब ये एन कैप हो जाए, क्लियर हो गया, जब ओरिजिन से ये यूनिट वेक्टर हो जाए, जैसे ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, नॉर्मल फॉर्म, समझ आया कि नहीं आया, रोहित आ रहा है समझ नहीं आ रहा, समझ गए, जैसे ही ये डॉट में यूनिट वेक्टर होगा उधर पी हो जाएगा, अदरवाइज क्यू का मतलब कोई और वैल्यू हो सकता, इसी फॉर्म को हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर बदलेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड की जो फॉर्म बदली जाती है वो कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या कहलाएगी, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी बताओ मुझे, बताओ बेटा कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड, क्लियर है भाई, एक्स वाई जेड की फोरम में है तो कहलाएगी कार्टेशियन फोरम, और आर डॉट की फोरम में है तो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को बाइक से मोबाइल बंद नहीं, कभी कभी उसका फोन बज रहा है कभी उसका बज रहा है, मैं तो यही करे जाऊंगा तुम्हारा, नहीं ऐसी कोई इमरजेंसी थोड़ी आ गई, हो गया बेटा, तुम ये कहोगे ये इतने में एकदम उठा के गई, इतने देर में मेरा फ्लो टूट गया, और एक बार टॉपिक का फ्लो टूट जाए बड़ा दिमाग लगा के हिसाब से बिठाना पड़ता क्या बताना है, हमें तो टॉपिक थोड़ी याद करना है, एक एक ताना बाना ऐसे बोलना है ताकि बच्चों को चीज समझ जाए, पिक्चर ले, ठीक है भाई, अब सुनो भाई, पहली फॉर्म समझ आ गई कि पहली इक्वेशन प्लेन की कब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अगर आपको यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन पता हो और ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो, ठीक है, दूसरी फॉर्म देखो, दूसरा फॉर्म देखो, सेकंड टाइप, आपके पास आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, जब आपके पास एक पासिंग पॉइंट हो, एक पासिंग पॉइंट हो, एंड वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, बेटा नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू प्लेन एन इज गिवन, अगला कंसेप्ट क्या है, प्लेन की इक्वेशन लिखना, प्लेन की इक्वेशन लिखना जब आपके पास एक पासिंग पॉइंट हो और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हो, देखिए क्या होता है, ये प्लेन है आप इधर देखो बेटा, इस बार आपको देखो वहां दिखता है, इसको हाँ भाई ये प्लेन है, आपको यहां एक पासिंग पॉइंट दे रखा है, इस प्लेन का कोई भी पासिंग पॉइंट, ये प्लेन का पासिंग पॉइंट दे दिया और आपको नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दे रखा, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इंपोर्टेंट रोल प्लेन में प्ले करता है, आपको दो चीज दे रखी है, इस प्लेन का मेरी हथेली एक प्लेन है, इसका एक पासिंग पॉइंट यानी कि इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रही है और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया, तो इक्वेशन होगी बेटा आर माइनस ए
10 is equal to 0. R minus A dot N equal to 0. फार्मूला कहां से आया? एक मिनट लगाऊंगा, देखो देखिए. देखिए बेटा, आपके पास एक पासिंग पॉइंट है, आप एक जर्नल पॉइंट प्लेन पे ले लेते हो P, और ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन. इसको ये मत सोचो कि ये यू है, आप ऐसे सोच लो कि जैसे हमारा मार्कर है, ये मार्कर है, मार्कर जो है वो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है. अब मैं यहां बना नहीं सकता, इसलिए मैं इसको यहां दिखाता हूं. क्लियर है? तो मैं समझाने के लिए मैं इसको नीचे दिखाता हूं. अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? एपी. तो एपी और ये एन कैसे होंगे? परपेंडिकुलर. तो एपी का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो. अरे भाई, ये एक बात बताइए, ये आपका एपी हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, तो नॉर्मल वेक्टर और एपी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर हो गया. फार्मूला बनेगा, देखो एपी क्या है आपका? आर माइनस ए. भूल भी जाओगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, वो उपाय बता देना. बन गया फार्मूला आसान, ठीक है. ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है. अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाऊंगा, देखो कार्टेशियन फॉर्म में यही बना दू. देखिए, जब भी मैं आर की फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म है, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? देखिए, आपका कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए आर की जगह क्या लिखोगे तुम? एक्स आई, वाई जे, जेड के, माइनस पासिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं अगर बात करें तो? एक्स वन, वाई वन, जेड वन. तो आर माइनस ए, ए के क्या बनेंगे बताना मुझे? एक्स वन आई, वाई वन जे, जेड वन के. तो ये तो हो गया आपका R माइनस ए, आर माइनस ए डॉट एन. एन मैं अपने पास से ले लेता हूं, नॉर्मल वेक्टर क्या ले लू मैं एक मिनट के लिए, ये मैं ले लेता हूं ए आई, बी जे और सी जे. ए आई, बी जे दिख रहा है भाई? ये देख रहा वहां नहीं दिख रहा, थोड़ा सा सही है, नहीं दिख रहा, समझ गए? अब दिख रहा है? तो R माइनस ए, R क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ए क्या है? पासिंग पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के. तो R माइनस ए डॉट एन, एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी जे, ठीक है. तो क्या बन जाएगा भाई? देखिए, डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक्स माइनस एक्स वन आई, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन. समझ आया कि नहीं आया? बना कहां से है? अरे बेटा, बन तो गया ये, एक्स माइनस एक्स वन आई, वाई माइनस वाई वन जे, जेड माइनस जेड वन के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. हर्षिता नहीं आया कहीं? बोलो बेटा, बोलो भाई. अरे आर माइनस ए क्या बना? एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और एबीसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना. तो ए के साथ एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी के साथ वाई माइनस वाई वन प्लस सी के साथ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो. तो आपकी दूसरी फॉर्म आ गई कि अगर आपको प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दे रखा हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे? तो ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म. आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो. आपको वेक्टर फॉर्म की बजाय कार्टेशियन याद रखनी है. मैं कार्टेशियन में ज्यादा काम करूंगा, ठीक है भाई? मैं कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा काम करूंगा. चलिए बिल्कुल भाई, देखो एक क्वेश्चन करो, लिखो. लिखो बेटा, आपको इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है. इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा बेटा 2 1 1,
और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हो गया 3i माइनस 2j प्लस 4। ठीक है बेटा, एक पासिंग पॉइंट हो गया, एक पासिंग पॉइंट हो गया। पासिंग पॉइंट का मतलब आपका ये पासिंग पॉइंट हो गया और ये नॉर्मल वेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर क्या बताया बेटा अभी फार्मूला बताइयो। ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू। मुझे याद लगता है ये तुम्हें याद रह जाएगा। तो पासिंग पॉइंट में लाइन में भी करते थे x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और आगे यहाँ a के साथ, यहाँ b के साथ, यहाँ हो गया यार। बताओ क्या बना? a ये है आपका a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस। बताओ भी किसी को दिक्कत हो तो। ठीक है बेटा, है क्या बनी हुई? थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर जेड माइनस छ, रुक जा बेटा, माइनस छ प्लस का दो जीरो नहीं आ गया, माइनस दस और प्लस दो एक नहीं आ गया पक्का। अब देखो कोई दिक्कत? और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? अरे आर डॉट थ्री आई माइनस टू जे प्लस फोर के इक्वल टू ए। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। क्लियर है? समझ आ गया? ये जो r डॉट फॉर्म की लिखते हैं, देखिए ये डॉट कैसे लिखा, थ्री आई माइनस टू जे प्लस फोर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अच्छा, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों क्लियर हुए? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है भाई, अब समझ गए जर्नल फॉर्म बार बार क्यों लिख रहा था। आर डॉट वेक्टर इक्वल टू, अब ये आपका क्यू है, टी नहीं है। टी कब होगा? जब यहाँ यूनिट वेक्टर होगा तो वहां पी बन जाएगा। क्लियर है? कई बार आपसे कह सकता है कि भी आप इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलो। नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलोगे? दोनों साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड। ठीक है, हो गए। ओ देखो भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, मैं कार्टेशियन याद करता हूं प्लेन में, मैं आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप कार्टेशियन के फार्मूले याद रखिए, वेक्टर के नहीं याद रखो। ठीक है, नंबर दो। नंबर तीन, बस भी बोलो मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट, उस प्लेन की इक्वेशन जिसमें तीन पासिंग पॉइंट दे रखे हो। समझ गए बेटा? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपकी ये प्लेन है, इसका एक पासिंग पॉइंट दे रखा है ए, दूसरा दे रखा है बी और तीसरा दे रखा है सी। ठीक है, चलो आइए पहले मैं वेक्टर इक्वेशन बोलूंगा। आर माइनस ए, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो।
तुम यकीन करो कि मैं बोर्ड पे खड़ा हूँ, ये एक भी फार्मूला नहीं आता इसका, और मैं सेकेंडों में इसके फार्मूले बना लेता हूँ। R माइनस ए डॉट सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। ये तो है इसकी वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म बेटा ये कार्टेशियन फॉर्म होगी। पहला पासिंग पॉइंट एक्स माइनस एक्स वन, मान लेते हैं आपका ये एक्स वन वाई वन जेड वन है, ये एक्स टू वाई टू जेड टू है, और ये एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री, क्लियर है आपको? ये नीचे वाला याद रहेगा, पहली लाइन में पहला पासिंग पॉइंट एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन, क्लियर है बेटा? दूसरी लाइन में एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। तीसरी लाइन में एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन और जीरो। याद करना आसान है, देखिए जो पहली लाइन है इसमें जनरल पॉइंट इस्तेमाल हुआ है एक्स वाई जेड है, दूसरी लाइन में एक्स टू वाई टू जेड टू इस्तेमाल हुआ है, तीसरी लाइन में, क्लियर है? नहीं आया बेटा? पहली लाइन में एक्स से एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, दूसरी में एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तीसरी में एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन, समझ गए ना? मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन तो तीनों में है, ऐसे याद कर लो। पहली लाइन में जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड है, और बाकी में दूसरी में सेकंड पॉइंट है, तीसरी में थर्ड पॉइंट, एक्स वन वाई वन जेड वन सभी में से और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये फार्मूला कहां से आया, एक मिनट लूंगा मैं आप लोगों की, हालांकि कोई नहीं कराता लेकिन मैं इसलिए कराता हूं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, कंपटीशन एग्जाम में बड़ा फायदा होता है। देखो बहुत ही आसान कंसेप्ट है बेटा, आप देखिए एक लाइन के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट आपका ये है, बी आपका ये है, और सी पॉइंट आपका ये, तीन पासिंग पॉइंट आपके पास हो गए, ठीक है, तीन पासिंग पॉइंट होगी। क्या होगा अब आपका, देखिए एक पी पॉइंट आप जर्नल लेते हो, जब भी आपको कोई लाइन या प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो तो आप पी पॉइंट जर्नल लेते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ए पी ए बी और ए सी कैसे होंगे वेक्टर, को प्लेनर, ए पी ए पी ए बी और ए सी को प्लेनर होंगे बेटा, ठीक है। ए पी क्या है, ए पी वेक्टर क्या है, आर माइनस ए, ए बी क्या है बेटा, ए सी क्या है, और बेटा जब ये तीनों को प्लेनर हो तो क्या होगा, लेट ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। आप समझ गए इसके ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों पढ़ाया था, याद आया, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो कब जीरो होता है, जब वो कोप्लेनर है, तीनों कोप्लेनर है तो इनका केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब समझ गए मैं फार्मूले कहां से बना रहा हूं, डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, बताओ किसका है, देखिए कभी शिवम।